एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट मूज की रेसिपी। बहुत ही यमी डेज़र्ट है फ्रेंड्स, और इजी भी। तो जो डेज़र्ट लवर है ना, उनके लिए बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप इसे घर पे ना बिल्कुल रेस्टोरेंट और मार्केट स्टाइल ये डेज़र्ट बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं और इस यमी से डेज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट मूज बनाने के लिए ना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कप ठंडा ठंडा चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लिया है। व्हिपिंग क्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और इस तरह से मेल्टेड होना चाहिए। और अभी से हम ना इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से फ्रेंड्स क्रीम अच्छे से बीट हो जाता है और फास्ट हो जाता है। आप चाहे तो इसे हैंड ब्लेंडर से भी बीट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसे हमें तब तक बीट करना है ना फ्रेंड्स, जब तक ये डबल साइज़ में ना हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्रीम जो है ना व्हिप हो गया है। आप इसका टेक्सचर देखिए, इस तरह से बारीक लाइन आने लगता है जब ये अच्छे से बीट हो जाता है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा स्टिफ बीट नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। इस तरह का हमें ना टेक्सचर का क्रीम रखना है, ना सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्रीम जो है अच्छे से बीट हो गया है, इसको हम रखेंगे फ्रिज में ताकि हमारा क्रीम जो है अच्छे से ठंडा रहे और सेट रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने एक कप लिया है बारीक चॉप करके डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपके पास अगर डार्क कंपाउंड नहीं है तो आप ना यहाँ पे जो मिल्क कंपाउंड होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप डेयरी मिल्क जो चॉकलेट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम मेल्ट करेंगे फ्रेंड्स ना डबल बाउलर की हेल्प से। तो बाउल हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो हमने नीचे पानी रखा है फ्रेंड्स ना, उसको भी हमारा जो बाउल है वो टच नहीं करना चाहिए, तभी हमारा चॉकलेट ना अच्छे से मेल्ट होगा। हमने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अभी से हम ना लो टू मीडियम फ्लेम पर ही जो है ना मेल्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, पानी हमारा जो है ना अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसी में फ्रेंड्स ना हमने 1/4 कप यानी 2 बड़े चम्मच के करीबन इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। और दूध को हमने फ्रेंड्स हल्का सा गुनगुना करके इसमें ऐड किया है ताकि चॉकलेट जो है ना जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर आप फ्रेंड्स इसमें दूध ऐड नहीं करना चाहते हैं, आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप यहाँ पर ना फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को ना फ्रेंड्स एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा चॉकलेट जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, हमने इसे गैस से हटा लिया है और इसमें कोई भी चंक्स वगैरह नहीं है। आपको भी देखने में चॉकलेट बहुत ज़्यादा लिक्विडी लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये थिक होता जाएगा। तो यहाँ पर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है और अब इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना थिक होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट जो है ना पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हमने जो फ्रीज में क्रीम बीट करके रखा था उसको इसमें हम ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके क्रीम ऐड करेंगे और स्पैचुला से ये अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ठंडा ठंडा जब क्रीम चॉकलेट के साथ मिक्स होगा ना तो चॉकलेट अच्छे से सेट होने लगेगा और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्स्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 बड़े चम्मच इसमें हम क्रीम ऐड किए हैं और ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है और अच्छे से मिक्स भी हो गया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ना सारा क्रीम हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा क्रीम जो है और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके ना सारा क्रीम इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा क्रीम को हमने फ्रेंड्स अच्छे से बीट करने के लिए यहाँ पे फिर से हम इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चॉकलेट और क्रीम जो है ना अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इस तरह से फ्रेंड्स वो बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया सा हमारा यहाँ पर ना चॉकलेट मूज डेज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गया है और ये हमारा डेज़र्ट ना फ्रेंड्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक ग्लास और इसको फ्रेंड्स ना हमने पाइपिंग बैग में इस तरह से फिल कर लिया है। हमने यहाँ पे स्टार नोज़ल लगाया है, उसके साथ इसे हम सर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से इसका लुक देखने में काफ़ी बढ़िया आता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो रेस्टोरेंट वगैरह में ना इसी तरीके से चॉकलेट मूज को सर्व किया जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम यह डेज़र्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास सर्व कर लिया है। लुक्स इसका एकदम ऑसम है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो फ्रेंड्स इसे ना यकीन मानिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अभी तक आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फाइनली फ्रेंड्स अब इसको हमने चॉकलेट से थोड़ा सा
गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे हम चॉकलेट को ग्रेट करके स्प्रिंकल कर रहे हैं। आप चाहें तो चॉकलेट स्प्रिंकल जो आता है रेडीमेड उसे भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन भी ना ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक आसान सी रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।